डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर नंबर 9 में हमने ट्रांजिशन ग्राफ का ओवरव्यू देखा था और एक दो एग्जांपल्स भी की थी। जो हमारा लेक्चर 10 है, इसमें हम आज ट्रांजिशन ग्राफ के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, ताकि जो हमारा ट्रांजिशन ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं स्टार्ट करूँगा छोटी एग्जाम्पल से, फिर हम बड़ी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाना है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करे बी डबल ए को। ठीक है, हमने बी डबल ए का क्या करना है, सिंपल एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। उसने मैं कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स है या फिर स्टार है, उसने मैं ना ही रेगुलर एक्सप्रेशन दिया ना ही कुछ, उसने मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग दे दिया और वो कह रहा है मशीन पे इसको एक्सेप्ट करना है आपने। अब मैं आपको पहले इसका डी एफ ए बना के दिखाता हूँ और फिर हम इसी स्ट्रिंग का क्या करेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे, ताकि हमें डी एफ ए के साथ साथ ट्रांजिशन ग्राफ दोनों में कंपैरिजन का भी जो है वो आइडिया हो जाए। वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 9 में आपको बताई थी इनकी करैक्टरिस्टिक्स, जो कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों को, लेकिन हम यहाँ पर दोनों की मशीन्स बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको डिफर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगा डी एफ ए, ठीक है, और फिर हम बनाएंगे इसका ट्रांजिशन ग्राफ। डी एफ ए बना लेते हैं। डी एफ ए में हमारे पास सबसे पहले क्या है, इनिशियल स्टेट पर बी है, यानी कि मेरे पास एक इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट है, वो बी लेके कहाँ जा रही है, एक नई स्टेट पे जा रही है। तो मैं क्यू वन एक स्टेट बना लेता हूँ, क्यू नॉट जो है वो क्यू वन स्टेट पे बी की ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद क्यू वन स्टेट से अब मैंने क्या लेके जाना है, ए लेके जाना है। तो मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम होगा क्यू टू, और क्यू वन जो है वो क्यू टू पे ए की ट्रांजिशन लेके चला जाएगा। ठीक है, अब फाइनल में मेरे पास क्या है, फिर से ए है, तो मैं क्या करता हूँ एक और स्टेट बना लेता हूँ जो कि होगी Q3 वाली, और A जो है वो इसके ऊपर से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये फाइनल स्टेट है Q3 वाली। अब देखो बी डबल ए जो है वो हमारे पास डी एफ एफ ए के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब हम बना रहे हैं डी एफ ए। डी एफ ए में कहता है कि हमने एम्प्टी ट्रांजिशंस को भी क्या करना है, डील करना है। तो एम्प्टी ट्रांजिशंस अब हमारे पास किस किस की आएंगी, देखो लैंग्वेज क्या है हमारे पास, ए और बी है, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो किस लैंग्वेज का पार्ट है, ए और बी की लैंग्वेज का पार्ट है। तो मैं ए और बी को यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम क्या करते हैं, डेड स्टेट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि डी एफ ए है ना, तो मैं एक डेड स्टेट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इस डेड स्टेट का मैं नाम रख रहा हूँ एक्स। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। अब क्यू नॉट जो है वो बी लेके क्यू वन पे जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर ए की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो क्यू नॉट जो है वो ए को कहाँ लेके चला जाएगा, डेड स्टेट पे चला जाएगा। क्यू वन जो है वो ए लेके क्यू टू पे जा रहा है, लेकिन उस पर बी की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो क्यू वन जो है वो बी लेके कहाँ आ जाएगा, डेड स्टेट पे आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू टू जो है वो ए लेके जा रहा है फाइनल स्टेट पे, लेकिन बी लेके कहीं नहीं जा रहा, तो मैं इसका जो बी है वो किधर भेज दूंगा, डेड स्टेट पे भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास फाइनल स्टेट है क्यू थ्री, उस पर ना ही ए की ट्रांजिशन हो रही है ना ही बी की ट्रांजिशन हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यू थ्री का जो ए और बी है उसको किधर भेज दूँगा, इस डेड स्टेट पे भेज दूँगा। ठीक है, अब ये जो हमारी जो स्ट्रिंग थी बी डबल ए वाली, इसका ये जो डी एफ ए है ये कम्प्लीट बन गया। अब आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास कितना जो है, हमने इसके अंदर एम्प्टी ट्रांजिशंस को भी कवर किया, डेड स्टेट भी बनाई, और कितनी ज़्यादा हमने स्टेट्स को इंट्रोड्यूस भी करवाया। अब हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। ये तो था डी एफ ए, अब हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है बी डबल ए को, मैं क्या करता हूँ एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, एक ही बनाऊँगा फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट का नाम रख रहा हूँ क्यू नॉट, फाइनल स्टेट का नाम है क्यू वन। क्यू नॉट जो है वो क्यू वन पे क्या लेके जाएगा, क्यू नॉट जो है वो क्यू वन पे बी डबल ए लेके चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सा था इसका ट्रांजिशन ग्राफ। अब देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है, हमें स्ट्रिंग दी हुई है सिर्फ एक, इसके अंदर ना ही हमारे पास क्लीन स्टार है, ना ही यूनियन है, ना ही प्लस क्लोजर है, जो हम यहाँ पे लूप लगाते या फिर वो सब कुछ करते, हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग दी है बी डबल ए। उसने कहा कि ऐसी ट्रांजिशन ग्राफ, ऐसी मशीन बनाओ जो बी डबल ए को सिर्फ एक्सेप्ट करे। तो ये जो मैंने मशीन बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ बी डबल ए को एक्सेप्ट कर रही है, ना ही इसमें नल है, ना ही इसमें ए बी की कोई और कंबिनेशन है, ये मशीन सिर्फ बी डबल ए को लेके फाइनल स्टेट पर जा रही है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, देखो डी एफ ए और ट्रांजिशन ग्राफ में से कौन सी चीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंशिएट देखें, एक तो हमें यहाँ पे डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, दूसरी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट है, हमने एक दो तीन चार पांच स्टेट्स बनाई थी, यहाँ पे हमारा वही काम दो स्टेट्स में ओके है। और यहाँ पे ट्रांजिशन देखो कितनी ज़्यादा हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजिशन के अंदर हमारा काम हो गया। इसके अंदर स्ट्रिंग्स देखो मल्टीपल लेके गए, सॉरी इसके अंदर स्ट्रिंग जो है हम एक एक लेके गए हैं, लेकिन जो ट्रांजिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनी हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स, हम एक ही ट्रांजिशन के ऊपर से लेके फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो इसलिए हम ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाते होते हैं, ताकि हम डी एफ ए को मज़ीद फ्लेक्सिबल और जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है उसको ख़त्म कर सकें, और एक आसान सा जो है वो ऑटोमेटा इसका बना सकें। अब कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ट्रांजिशन ग्राफ की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज डैट एक्सेप्ट ओनली ए बी डबल ए और ए डबल बी ए। उसने हमें तीन स्ट्रिंग्स दी हुई हैं,
वो कह रहा है कि ऐसी हमने ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो सिर्फ इन तीन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हो, उसके अलावा कुछ भी ना एक्सेप्ट करे, और हमने कुछ और बनाना भी नहीं है। ठीक है, तीन स्ट्रिंग्स में हमारे पास सबसे पहले है ए, दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास बी डबल ए, तीसरी स्ट्रिंग है हमारे पास ए डबल बी ए। अब इसका चाहो तो आप डी एफ ए भी बना सकते हो और वो आपको पता है कितना बड़ा बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांजिशन ग्राफ पढ़ने हैं तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन ग्राफ बनाऊंगा। अब आपको मैंने करैक्टरिस्टिक्स में बताया था कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, यानी कि हम मल्टीपल्स भी बना सकते हैं, हम एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं। अब देखो आपके पास स्ट्रिंग्स कितनी हैं, तीन हैं, और आप बना रहे हो ट्रांजिशन ग्राफ, तो आसानी यही होगी ना कि हम तीनों के लिए अलग अलग तीन स्टेट्स बना लें। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बना लेता हूँ इनिशियल, नाम होगा क्यू नॉट, और एक स्टेट मैं बना लेता हूँ फाइनल, इसका नाम मैं रख रहा हूँ एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप स्टेट का नाम कुछ भी रख सकते हो। अब क्यू नॉट स्टेट जो है वो पहली दफ़ा में ए लेके कहाँ पहुँच जाएगा, फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा, ए एक्सेप्ट हो गया मशीन से, ए डन हो गया। इसके बाद हमारे पास बी डबल ए, अब हमने क्या करना है, मशीन के ऊपर बी डबल ए को एक्सेप्ट करवाना है, यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुँचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियल स्टेट और बना लेता हूँ जिसका नाम होगा क्यू वन। अब आपको पता है कि मल्टीपल ट्रांजिशन जो हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ में अलाउ हैं, तो मैं यहाँ से बी डबल ए की ट्रांजिशन भेजूँगा फाइनल स्टेट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्स को मैं यहाँ से रिमूव करके ऊपर लिख रहा हूँ, ताकि मैं जो अगला जो है हमारा ए डबल बी का, उसकी स्टेट मैं नीचे बना लूँ। तो ये जो हमारे पास बी डबल ए है, ये भी अब मशीन के ऊपर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब थर्ड हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है ए डबल बी ए, तो मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसका नाम होगा क्यू टू, ये भी इनिशियल होगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो तीनों स्टेट्स हैं वो इनिशियल हैं, क्योंकि तीनों के लिए हम अलहदा अलहदा बना रहे हैं, अलहदा अलहदा ट्रांजिशंस बना रहे हैं, तो तीनों को इनिशियल करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक को इनिशियल कर दिया, उन दो को फाइनल कर दिया। फाइनल का मतलब है उस स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं अपना रिजल्ट लेके। तो अब है हमारे पास क्यू टू पे, हम क्या करेंगे, किसकी ट्रांजिशन करवाएंगे फाइनल पे, ए डबल बी ए की, और ये आपके पास क्या बन गया, इस लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। अब आप चेक कर सकते हो हमारे पास ए भी एक्सेप्ट हो रहा है फाइनल स्टेट पे, बी डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है फाइनल स्टेट पे, और ए डबल बी ए भी एक्सेप्ट हो रहा है फाइनल स्टेट पे। उसके अलावा ना ही कुछ हमने ऐड करवाया अपने ऑटोमेटा के अंदर, और ना ही हमें उसने परमिशन दी थी कि हम कुछ और लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा ट्रांजिशन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा अ ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ ए लैंग्वेज डैट एक्सेप्ट ऑल लैंग्वेज इंक्लूडिंग नल, और लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ए और बी हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो ए और बी के लिए ही कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको एक्स और वाई के लिए कर लेते हैं। जो हमारे पास लैंग्वेज हैं वो एक्स और वाई हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का, तो आप उसका ऑटोमेटा आराम से बना लो। अब उसने हमें रूल दे दिया है कि एक्सेप्ट कर रहा हो सारी की सारी लैंग्वेज जो एक्स और वाई का पार्ट हो, और उसके अंदर इंक्लूड करना है हमने नल को। अब इसके मल्टीपल ट्रांजिशन ग्राफ बन सकते हैं, मैं आपको दो बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला जो हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं वो, अब नल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है वही हमारे पास क्या होती है, फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। और नल, ये जो हमारे पास स्टेट है ये भी नल को एक्सेप्ट कर रही है, इसके ऊपर ट्रांजिशन कोई नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट है ये भी नल को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि जब भी नल की बात आती है तो जो फाइनल स्टेट होती है या जो इनिशियल स्टेट होती है वही फाइनल होती है, ठीक है। अब ट्रांजिशन ग्राफ है तो हमने ट्रांजिशंस को भी बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्स और वाई है, तो मैं क्या कर दूँगा, इस स्टेट के ऊपर एक्स और वाई का लूप लगा दूँगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला है डैट एक्सेप्ट ऑल लैंग्वेज, यानी कि कुछ भी हमारे पास एक्स और वाई की कम्बिनेशन का आ सकता है, तो मैंने इसके ऊपर लूप लगा दिया। अब ये ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ है जो नल को भी इंक्लूड कर रहा है और एक्स और वाई की कोई भी जो भी लैंग्वेज होगी उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम इसका एक दूसरा ट्रांजिशन ग्राफ बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियल स्टेट बनाऊँगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्यू नॉट का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नल लेके जाना है ना फाइनल स्टेट पे, तो हमारे पास नल है, तो मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो फाइनल भी होगी और नाम होगा इसका क्यू वन, ठीक है। और इस इनिशियल स्टेट से हमारे पास किसकी ट्रांजिशन होगी, नल की ट्रांजिशन होगी। अब ट्रांजिशन ग्राफ की जब मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो नल होता है हम उसको ट्रांजिशंस के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीएफए में परमिशन नहीं देता कि आप नल को इस तरीके से ट्रांजिशन से लेके जाओ। तो अब ट्रांजिशन ग्राफ हम इसका बना रहे हैं, तो मैंने नल को यहाँ से भेज दिया। अब आपको पता है एक्स और वाई पीछे रह गया और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो लैंग्वेज का पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइनल स्टेट पर लूप लगा दूँगा एक्स और वाई का, और जो मेरे पास इनिशियल स्टेट है इसके ऊपर भी मैं चाहूँ तो लूप लगा सकता हूँ और चाहूँ तो मैं इसके ऊपर लूप नहीं लगा सकता। लेकिन अब देखो, फाइनल स्टेट जो है उसके ऊपर हमने लूप लगाया एक्स और वाई का, हो सकता है नल से पहले भी हमारे पास एक्स और वाई की कोई भी कम्बिनेशन आ जाए, तो हमने अपना जो ऑटोमेटा उसको तो कंप्लीट बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इनिशियल स्टेट पे भी एक्स और वाई का लूप लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर आपके पास स्ट्रिंग आ जाती वाई एक्स नल वाई,
ठीक है। अब अगर आपने y और x को पहले लूप से ना बनाया होता तो आपकी मशीन y और x से स्टार्ट होती, कभी भी ना होती, क्योंकि वो सिर्फ स्टार्ट किससे होती, नल से होती। अब नल भी है हमारे पास, yx भी है हमारे पास लूप के अंदर, और y भी है, तो सब कुछ जो है वो हमारी इस ऑटोमेटा के अंदर बना हुआ है ट्रांजिशन ग्राफ वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को इसके ऊपर, जो ये वाली स्ट्रिंग है ये इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है। इस तरीके से आप कोई भी ऐसी स्ट्रिंग लेके देख सकते हो, वो इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पहले ऑटोमेटा पे भी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो वाई एक्स की कोई भी कम्बिनेशन है, सॉरी वाई और एक्स आ रहा है सबसे पहले, तो इस लूप से हमें क्या मिल जाएगा, पहली दफ़ा में वाई मिल जाएगा, दूसरी दफ़ा में एक्स मिल जाएगा, फिर नल। अब नल आपको पता है फाइनल स्टेट भी यही है, इनिशियल स्टेट भी वही है, तो हमें नल भी मिल रहा है, उसके बाद वाई है तो ऊपर लूप लगा हुआ है, वाई दोबारा मिल जाएगा। तो जैसी मर्जी स्ट्रिंग ले लो आप, इन दोनों ट्रांजिशन ग्राफ्स के ऊपर इन दोनों ट्रांजिशन ग्राफ को एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ट्रांजिशन ग्राफ डेट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विद ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। हमने कैसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो एक्सेप्ट कर रहा हो सारे के सारे वर्ड्स, यानी कि ए और बी की कम्बिनेशन में कोई भी वर्ड्स हों, और कंटेन जो हमारे पास केस है इस ट्रांजिशन ग्राफ का वो ये है कि हमारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी भी हों, एक्सेप्ट हो रहे हों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ क्यू नॉट, और एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो होगी क्यू वन वाली, और इसको मैं फाइनल कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी है, इसका मतलब है मैं इनिशियल स्टेट से ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की ट्रांजिशन लेके जा सकता हूँ फाइनल स्टेट पे, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास ये रहता है कि वो एक्सेप्ट करो ऑल वर्ड्स को, तो इसका आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या करना है, यहाँ पर लूप लगा देना है ए और बी का, और स्टार्ट में भी क्या करना है, ए और बी का लूप लगा देना है। बस इतना सा इसका क्या था, ट्रांजिशन ग्राफ था। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है, ड्रॉ ट्रांजिशन ग्राफ डेट एक्सेप्ट डबल लेटर्स, और हमारे पास लैंग्वेज जो है वो ए और बी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप समझो, फिर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं और फिर हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। देखो वो कह रहा है कि जो हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है वो एक्सेप्ट करो डबल लेटर्स को, और डबल लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए और बी है, यानी कि डबल ए और डबल बी को एक्सेप्ट करने वाला हमने क्या करना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारे पास डबल ए और डबल बी को एक्सेप्ट करवाने वाला हमने क्या करना है, ऑटोमेटा बनाना है। और आपको पता है शुरू में कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, ए प्लस बी होल स्टार, डबल ए प्लस डबल बी, ए प्लस बी होल स्टार। ये क्वेश्चन हमने डीएफए बनाते वक्त भी किया था, और अब यही क्वेश्चन हम ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन है ना, जिसके हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है, उससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास जो हमने ऑटोमेटा बनाना है वो एक डबल ए के लिए बनेगा और एक डबल बी के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटर में क्या है, और का साइन है। चलो बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, ये इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डबल ए के लिए बना लेते हैं। डबल ए के लिए बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ जो फाइनल स्ट्रेट होगी, और क्यू नॉट इससे क्या लेके चला जाएगा, सिंपल डबल ए लेके चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप डबल ए डबल बी के लिए बनाते हैं, तो मैं एक और स्ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फाइनल होगी, इसका नाम क्यू वन रख लेते हैं, इसका नाम क्यू टू, और जो इनिशियल स्ट्रेट है वो डबल बी लेके कहाँ चला जाएगा, क्यू टू स्ट्रेट पर चला जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग के ए प्लस बी होल स्टार को और आखिर के ए प्लस बी होल स्टार को कवर करना है। तो देखो क्यू नॉट जो है उसका स्टार्ट, उस पर ए प्लस बी का मतलब है ए और बी की कोई ना कोई कम्बिनेशन, लेकिन जो ये ट्रांजिशन आगे भेज रहा है क्या वो ए और बी की कम्बिनेशन में है या नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। देखो पहली ट्रांजिशन है डबल ए के लिए, इसके अंदर बी नहीं है, और जो दूसरी ट्रांजिशन है वो है डबल बी के लिए, उसमें ए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस ए प्लस बी होल स्टार को कवर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर लूप लगा देंगे ए और बी का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी होल स्टार, इसको हम बना चुके हैं, अब ये रहता है ए प्लस बी होल स्टार। अब ये क्या है, ए और बी के आखिर में, यानी कि हम क्या करेंगे, फाइनल्स के ऊपर ए प्लस बी होल स्टार का लूप लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे फाइनल के ऊपर ए और बी का लूप लगा देता हूँ, यहाँ पे भी फाइनल के ऊपर ए और बी का लूप लगा देता हूँ, ये इसका सिंपल सा ऑटोमेटा बन गया ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। अब इसी ऑटोमेटा को जो हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल डीएफए में करवाई थी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें एक क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऑल वर्ड्स एंड एंड स्टार्ट विद डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। उसने हमें ये बोला कि ऐसा हमने ऑटोमेटा बनाना है जिसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो एक लेटर हो और जो एंड पॉइंट है वो दूसरा लेटर हो। अब लेटर्स कौन से हैं हमारे पास, वाई और जेड हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर कौन से यूज़ होंगे, वाई और जेड यूज़ होंगे। मैंने
क्वेश्चन में ए और बी गिवन था, लेकिन मैंने खुद वायर जेड लिया ताकि हम ए बी के जो हैं उसमें से निकल आएँ और हमें थोड़ा पता लगे कि अगर क्वेश्चन में वो 01 दे देता है या कुछ भी और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो हम उसको किस तरीके से अपनी मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले DFA बनाऊंगा और फिर हम इस क्वेश्चन का ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में मैंने आपको DFA वाले सेक्शन में नहीं करवाया था, लेकिन जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे ना उसके अंदर ये क्वेश्चन होगा। और ये जो ट्रांजिशन ग्राफ की एग्जांपल्स है ना, इनके भी मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इनका PDF डाउनलोड करो। क्वेश्चंस होंगे, साथ आंसर्स भी होंगे। पहले कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से करो, अगर नहीं आता तो आंसर से देख लो, अगर आंसर्स की भी समझ नहीं आती तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं ताकि हमें एक आइडिया तो होना कि हम जो मशीन बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। मैं काम करूँगा क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब आपको पता लग गया है। हमने एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जो डिफरेंट लेटर्स से स्टार्ट हो और डिफरेंट लेटर्स पे एंड हो। सबसे पहले मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिखूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आलसी हूँ। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, देखो अगर तो लैंग्वेज Y से स्टार्ट हो रही है तो एंड किस पे होनी चाहिए, Z पे होनी चाहिए, और बीच में क्या आ सकती है आपको पता ही है, Y और Z की कोई भी कम्बिनेशन, तो Y प्लस Z के ऊपर स्टार। ठीक है, ये एक केस है। अभी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कम्प्लीट नहीं बनी, अभी एक और भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, Y से हो सकता है, स्टार्ट जेड से भी तो हो सकता है ना, जेड से भी तो स्टार्ट हो रहा हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनियन का साइन लगाऊंगा क्योंकि यूनियन किसको डिनोट करता है, और को, और मींस के या तो ये भी हो सकता है मशीन पे या तो ये भी हो सकता है। अब एक केस हमने बनाया कि वाई से स्टार्ट हो, जेड पे एंड हो। अब दूसरा केस ये बनता है कि जेड से स्टार्ट हो, बीच में कम्बिनेशन कोई भी हो सकती है, और एंड किस पे हो रहा हो, वाई पे हो रहा हो। अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है ना, इसका हमने क्या बनाना है, ऑटोमेटा बनाना है। अब सबसे पहले हम इसका DFA बनाते हैं, फिर हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका DFA। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो रही है Y से, एंड हो रही है Z पे, इनिशियल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको माइनस कह रहा हूँ, ये आ गया क्यू नॉट। ठीक है, पहली दफ़ा में क्या जाएगा, Y जाएगा, ये आ गया Y। ये याद रखना मैं अभी DFA बना रहा हूँ, इसका TG जो है हम इसके बाद बनाएंगे। अब इस स्टेट को मैं नाम दे रहा हूँ Q1 का। ठीक है, क्यू नॉट जो है वो वाई लेके Q1 पे चला गया। इसके बाद हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है, Z आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो हमारे पास फाइनल होगी, नाम होगा Q2, और Q1 से हम क्या लेके जाएंगे, Z लेके जाएंगे। अब देखो स्टार्ट वाई से हो, एंड किस पे हो, Z पे हो, एंड Z पे हो। ये केस कंप्लीट हो गया। अब रह जाता है ये बीच में वाई प्लस जेड होल स्टार। इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, और को कंप्लीट कर लेते हैं। और हमें ये कह रहा है कि स्टार्ट जेड से करो। अब ये देखो, ये जो ऑटोमेटा है ऊपर वाला, ये किसके लिए बनाया था, वाई से स्टार्ट होने वाले के लिए। अब इसी तरीके से मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो होगी Q3, और ये जो है ये सबसे पहले क्या लेके जाएगा, जेड लेके जाएगा। ऊपर वाला ऑटोमेटा इसके लिए बनाया था, नीचे वाला अब इसके लिए बना रहा हूँ, लेकिन DFA है, ख्याल रखना दो ऑटोमेटा नहीं है, ऑटोमेटा एक ही है। अब क्यू नॉट जो है वो जेड लेके Q3 पे आ गया, एंड किस पे करना है, वाई पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक फाइनल स्टेट और इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, नाम होगा Q4, और वो यहाँ से क्या लेके चला जाएगा, वाई लेके चला जाएगा। ठीक है, ये काम इतना हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, वाई प्लस जेड होल स्टार और वाई प्लस जेड होल स्टार को कवर करवाना है। और देखो ये वाई प्लस जेड होल स्टार किधर आ रहा है, पहले ऑटोमेटा की अगर मैं बात करूं तो वो Y और Z के दरमियान में आ रहा है, यानी कि ये Y और ये Z, इनकी जो स्टेट्स हैं इनके दरमियान में हमने क्या करना है, Y प्लस Z क्लीन स्टार को इन Y और Z के दरमियान में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो Y Q1 जो स्टेट है वो Z लेके कहाँ जा रही है, Q2 पे। क्या Q1 Y लेके कहीं जा रही है, कहीं भी नहीं जा रही। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर Y का लूप लगा दूंगा Q1 वाली स्टेट पे। ठीक है स्टूडेंट, डेड स्टेट की यहाँ पे बात नहीं होगी, याद रखना डेड स्टेट की बात इसलिए नहीं होगी, अगर मैं वाई को उधर भेज दूँ और अगर यहाँ पे मशीन पर डबल वाई आ जाता है, एक वाई तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि वाई प्लस जेड की क्लीन स्टार में कोई भी कम्बिनेशन है ना, तो अगर हमें डबल वाई मिल जाता है तो हम दूसरा वाई कहाँ से कंप्लीट करेंगे, वो तो डेड स्टेट पर चला जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वाई का लूप लगाया है। ठीक है, इसके बाद अब देखो Q1 जो है उस पर वाई भी कंप्लीट हो गया, जेड भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आ जाती है Q2 की। Q2 जो है ना ही उसके ऊपर जेड की कोई वो है ट्रेसमेंट है और ना ही वाई की ट्रेसमेंट है। अब एक चीज़ आप नोट रखना कि यहाँ पे Q2 के ऊपर लूप ना लगा देना वाई प्लस जेड का, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि एंड जो है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, जेड पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस Q2 वाले के ऊपर क्या लगा दूँगा, जेड का लूप लगा दूँगा। अब Q2 जो है उस पर जेड एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन वाई एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वाई को मैं किधर भेज दूँगा, आपको पता ही होगा, वाई को मैं भेज दूँगा अपनी Q1 स्टेट पे।
ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या क्या किया, वाई प्लस जेड क्लीन स्टार को सॉल्व कर लिया। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, नीचे वाले पे देखो Z और Y के दरमियान में वाई प्लस जेड क्लीन स्टार है, यानी कि Z और Y के दरमियान में हमने जो भी करना है अपना काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो Q3 जो स्टेट है वो Y लेके जा रही है Q4 पे, लेकिन Z लेके कहीं नहीं जा रही, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर लूप लगा दूंगा Z का, डेड स्टेट पे नहीं लेके जाना। अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे पास डबल Z हो, तो एक Z तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मशीन के स्टार्टिंग पे, दूसरा Z कहाँ से लाओगे, वो तो डेड स्टेट पे आपने भेज दिया होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया डबल Z का। अब केस आपको ये कह रहा है एंड हमेशा Y पे होना चाहिए। अब देखो Q4 जो है उस पर ना Y है ना ही Z है, तो क्या मैं यहाँ पे Y और Z का इकट्ठा लूप लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मशीन आपको ये कह रही है एंड हमेशा डिफरेंट लेटर पे होना चाहिए। स्टार्ट अगर आप Z से कर रहे हो तो एंड Y पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे YZ का लूप लगाऊंगा तो यहाँ पे तो Z आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ Z का लूप लगा देता हूँ तभी काम खराब है, क्योंकि Z से स्टार्ट होकर Z पे ही एंड हो जाएगी मशीन। तो ऐसा नहीं करना, अगर हमारे पास Y पे एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Y का लूप लगा देंगे। ठीक है, अब Y का लूप लगा दिया, हमारे पास पीछे रह जाता है Z, तो Z को सिंपल यहाँ से उठा के भेज दो Q3 स्टेट पे। ये हमने बनाया इस रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA, डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि आपको इसका DFA समझ आ गया होगा। अब हम इसी DFA का क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। जी हाँ, हम इसी DFA को भी बना सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ में, हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन का भी बना सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ। तो मैं क्या करता हूँ, इस DFA को रेज कर रहा हूँ, फिर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के हम इसका जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। मैं काम करता हूँ, इस DFA को भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं TG। ठीक है, देखो लैंग्वेज स्टार्ट किससे हो रही है, Y से और Z से। एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे सबसे पहले, नाम होगा इसका Q0। ठीक है, अब एक स्टेट और बनाऊँगा जिसका नाम होगा Q1, एक स्टेट और बनाऊँगा जिसका नाम होगा Q2। जो ऊपर वाली स्टेट होगी वो होगी मेरी Y के लिए, और जो नीचे वाली स्टेट होगी वो होगी Z के लिए। ठीक है, यानी कि और बीच में आ रहा है ना, और को हमने देखना है। अब जो ऊपर वाला ऑटोमेटा है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एंड है वो Z पे होना चाहिए, तो मैं एक और स्टेट बनाऊंगा, इसको फाइनल कर देते हैं, इसको Q3 नाम दे देते हैं, और Q1 जो है वो Z लेके Q3 पे पहुंच गया। अच्छा, एक चीज़ में कंफ्यूज ना होना कि मैंने इसको Q1 नाम दिया तो आप भी इसको Q1 नाम दो, आप इसको Q1 दे दो, इसको Q3 दे दो, लेकिन जो एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो तरतीब आप चला रहे हो ना उसके हिसाब से चलो। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले में देखो Z, इनिशियल से Z लेके आ गया, उसके बाद फाइनल पे क्या जा रहा है, Y जा रहा है। तो मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ फाइनल की, जिसका नाम होगा Q4, और क्या चीज़ लेके जाएगा, वो Y लेके जाएगा। डेट्स इट, इतना काम हो गया। ये X नहीं है, ये Y है। ठीक है, अब देखो Y प्लस Z क्लीन स्टार है Y और Z के दरमियान, यानी कि इस Y और इस Z के दरमियान में हमने क्या करना है, Y प्लस Z क्लीन स्टार की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। तो Q1 स्टेट जो है उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल समझ ही गए होंगे आप, मैं इसका लूप लगा दूंगा Y और Z का। क्यों लूप लगाऊंगा, देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट Y से हो, एंड Z पे हो, बीच में स्टेट आ रही है हमारे पास एक Q1 वाली, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, Y प्लस Z जो स्टार था उसका यहाँ पे लूप लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे और ट्रांजिशन बनाऊँ, तो हमें ट्रांजिशन ग्राफ इस बात की इजाज़त देता है ना कि हम मल्टीपल ट्रांजिशंस को एक स्टेट पे बना सकते हैं, तो मैंने Q1 के ऊपर ही Y और Z का लूप लगा दिया। इसका मतलब Y और Z की कोई भी कम्बिनेशन आ जाए वो इस स्टेट के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे देख लो, जो Y प्लस Z क्लीन स्टार है वो Z और Y के दरमियान में है, तो ये है Z, ये है Y, इसके दरमियान में Q2 है, तो Q2 के ऊपर क्या कर दूंगा मैं, Y और Z का लूप लगा दूंगा। डैट्स इट, ये है इसका ट्रांजिशन ग्राफ। अब आप कंपेयर कर सकते हो जो पहले मैंने DFA बनाया था और अब जो ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, दोनों में कितना फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप लोगों ने लाजमी करना है, और लाजमी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमसे ये हो गया है, जिसे ना हुआ मैं उसको करवा दूंगा वो क्वेश्चन। आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास था क्वेश्चन, ये था कि स्टार्ट एक लेटर से हो और एंड डिफरेंट लेटर पे हो। आपने ऐसा जो है वो एक ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ, उसका DFA भी बनाना है और ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो सेम लेटर से स्टार्ट हो और सेम लेटर से एंड हो। ठीक है, अगर मैं इसका इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बोलूँ तो ये बनता है कि ऑल वर्ड्स डैट बिगिन एंड एंड विद सेम लेटर। ठीक है, यानी कि स्टार्ट भी एक लेटर से हो, एंड भी उसी सेम लेटर पे हो। तो इसका आपने क्या करना है, अब DFA और ट्रांजिशन ग्राफ बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमसे ये बन गया। एक क्वेश्चन है हमारे पास इवन इवन का, मैंने ये आपको DFA में नहीं करवाया था, लेकिन शायद नोट्स में ये आपके पास मौजूद हो, तो नोट्स देख लिया करो खोल के, बहुत काम के नोट्स भेज रहा हूँ आपको। हमारी बारी पे तो हमें नहीं मिले थे, लेकिन आपकी बारी पे आपको मिल रहे हैं, तो फ़ायदा उठाओ फ्री में यार, क्या जा रहा है। देखो इवन इवन का हमने क्या करना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। अब ये इवन इवन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इवन इवन।
ठीक है, यानी कि ऐसा हमने एक ऑटोमेटा बनाना है जो इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट कर रहा हो। इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी का क्या मतलब है? अच्छा, मैं यहाँ पे ए और बी बोल रहा हूँ, इस बात से कंफ्यूज ना होना कि पेपर में भी ए और बी है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो इवन का मतलब है कि अगर मेरे पास डबल ए है लैंग्वेज में तो मेरे पास डबल बी होने चाहिए लैंग्वेज में। अगर मैं फोर टाइम्स ए ले रहा हूँ तो मेरे पास फोर टाइम बी भी आना चाहिए, यानी कि इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी एक्सेप्ट होने चाहिए। इसका हमने क्या करना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, और इसका मैं आपको डीएफए भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। अब इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, वो आपने खुद जो है वो ढूंढनी है। ढूंढने का मतलब खुद अपने जहन से बनाओ कि इवन इवन की क्या बनती है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं भी क्या करूँगा, इसका सिंपल और सिंपल डीएफए आपको बना के दिखाऊंगा। देखो हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले डीएफए किसका बना रहे हैं, इवन इवन का। तो इवन इवन का मतलब है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ ए हैं उतने नंबर ऑफ़ बी हों। इसका मतलब है उसके अंदर नल भी एक्सेप्ट हो सकता है ना, इवन इवन के अंदर नल भी तो आ सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। नल का आपको पता है हम कैसे करते हैं, वही फाइनल होती है, वही इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम, इसका मैं नाम रख रहा हूँ क्यू नॉट, बल्कि मैं इनको साइड्स पर लिखूँगा। ये है क्यू नॉट, ये है क्यू वन, ठीक है। जो क्यू नॉट स्टेट है वो ए लेके जा रहा है क्यू वन स्टेट पे, ठीक है। एक ए की ट्रांजिशन हमने करवा दी है। अब जो क्यू वन स्टेट है वो भी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो एक मैं नाम दे रहा हूँ इसको क्यू टू का, बल्कि इसका नाम मैं रखूँगा साइड पे, ठीक है। अब देखो क्यू नॉट जो है वो ए यहाँ पे लेके जा रहा है, क्यू वन जो है उसको मैं बी पास करवा देता हूँ क्यू टू पे। अब मैं बी क्यों पास करवा रहा हूँ, ए क्यों नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी पास करवा सकते हो। हमने सिर्फ शर्त ये देखनी है कि इवन ए और इवन बी हमारी मशीन के ऊपर एक्सेप्ट होने चाहिए। तो यहाँ से मैंने बी पास करवा दिया। एक स्टेट और बनाता हूँ। अभी देखो एक ए बना है, एक बी बना है, हमने क्या करना है, इवन के लिए काम करना है। और सबसे छोटा इवन कौन सा होता है, सबसे छोटा इवन होता है टू। क्या हो गया इसे, सबसे छोटा इवन होता है टू। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए की ट्रांजिशन करवाऊँगा। अब मैं इनको रख रहा हूँ आमने सामने, यानी कि जैसे ए ऊपर है वैसे ए इधर हो। आप चाहो तो ए यहाँ पे भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या करना है, क्यू टू पे मैंने ए भेज दिया क्यू थ्री वाली स्टेट पे, और क्यू थ्री जो है वो वापस बी भेज रहा है किसको, क्यू नॉट स्टेट को। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब देखो क्या होगा, क्यू नॉट जो है वो ए लेके जा रहा है क्यू वन पे, क्यू वन से बी जा रहा है, लेकिन ए किधर जा रहा है, ए तो कहीं नहीं जा रहा ना, क्योंकि हम डी एफ ए बना रहे हैं, डी एफ ए में एम्प्टी ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है और है भी इवन इवन। तो इवन इवन के केस में, या फिर ऐसा कोई केस आता था जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती थी मल्टीपल्स की, तो हम क्या करते थे, उनको किसी ना किसी स्टेट पर भेजते थे बजाय इसके कि हम उसको डेड स्टेट पर भेज दें। तो क्यू वन जो है वो बी आगे पास करवा रहा है, लेकिन वो ए कहीं पास नहीं करवा रहा, तो वो जो ए है मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा वापस क्यू नॉट स्टेट पर, ठीक है। अब क्यू वन जो है उसने बी आगे पास करवा दिया, ए यहाँ पे, ये तो काम कंप्लीट हो गया। अब क्यू क्यू नॉट को देखो, सबसे पहले मुझे क्यू नॉट से स्टार्ट करना चाहिए था। क्यू नॉट जो है वो ए लेके जा रहा है क्यू वन पे, लेकिन बी लेके तो कहीं नहीं जा रहा, तो बी लेके मैं उसको क्यू वन पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि क्यू वन पे ऑलरेडी ए जा रहा है। क्यू नॉट जो है वो बी भेजेगा क्यू थ्री पे, तो मैं यहाँ से बी भेज देता हूँ क्यू थ्री वाली स्टेट पे, ठीक है। अब क्यू वन का भी मैंने आपको करवा दिया कि वो ए बी लेके जा रहा है, तो ए वापस रिटर्न कर देगा। अब आ जाते हैं क्यू टू पे, क्यू टू जो है वो ए भेज रहा है आगे की तरफ, लेकिन बी तो कहीं नहीं भेज रहा, तो इसका जो बी है ना मैं वापस रिटर्न करवा दूंगा क्यू वन को। ये चीज़ हो गई। अब Q3 जो है वो Q नॉट पे B लेके जा रहा है, लेकिन A कहीं नहीं लेके जा रहा, तो Q3 जो है उसका A मैं वापस भेज दूंगा Q2 वाली स्टेट पे। बस ये इसका थर्ड DFA। अब आप कोई से भी इवन नंबर ऑफ A और B लेके देख लो, वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएंगे। मैं आपको लेके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास, हम छोटे से शुरू करते हैं, या फिर चलो हम 4A ले लेते हैं और 4B ले लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये हमारी मशीन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एक भी इवन हमारी स्ट्रिंग पे काम कर गया, इसका मतलब है बाकी सारे कर जाएंगे। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, चार ए आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बारी पे ए आ गया क्यू वन पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा ए है, तो ए लेके वो वापस क्यू नॉट पे चला गया, वापस ए लेके वो क्यू नॉट पे चला गया। फिर उसके बाद एक और ए है, तो वापस साइकिल होगा, वो वापस क्यू वन पे आएगा। उसके बाद लास्ट में एक और ए है, तो वो वापस क्यू नॉट पे आ जाएगा। और देखो क्यू नॉट को हमने क्या बनाया था, फाइनल स्टेट भी बनाया था, ताकि अगर हमारे पास लैंग्वेज में नल भी आ रहा हो तो वो फाइनल स्टेट पे वापस पहुंचे। तो देखो ये जो चार ए थे हमारे पास, क्या ये एक्सेप्ट हो गए हैं हमारी मशीन पे? बिल्कुल हो गए हैं। अब हम चार बी को देख लेते हैं। क्यू नॉट जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो किससे स्टार्ट हो रही है, बी से। तो क्यू नॉट जो है वो बी लेके किधर आ गया, क्यू थ्री पे आ गया। उसके बाद दोबारा बी है, तो Q3 ने वापस B रिटर्न कर दिया। फिर दोबारा B है, Q0 ने वापस B रिटर्न कर दिया। फिर दोबारा B है, तो Q0 से Q3 ने वापस B को रिटर्न कर दिया Q0 पे, जो कि फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से हमारा जो ये ट्रिप फोर टाइम B और फोर टाइम A है, ये मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था DFA का।
अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो मेन है हमारा इस लेक्चर का पार्ट। मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपको मेरे ख्याल में आइडिया समझ आ गया होगा कि इवन इवन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बना लेते हैं। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, मैंने आपको इसका DFA बनवा दिया ना, इसका ट्रांजिशन ग्राफ आपने खुद बनाना है इवन इवन वाले क्वेश्चन का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रांजिशन ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने आपको DFA के थ्रू आइडिया दे दिया, सिंपल सी चीज़ है, ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू आपने उसको इंप्लीमेंट करते हुए बनाना है। ठीक है, ये अब आपकी असाइनमेंट है। बस यहाँ पर जो है हमारी इन ट्रांजिशन ग्राफ की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एंड हो जाती हैं। एंड तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ जो PDF शेयर करूँगा उसको लाजमी देखना, उसमें ट्रांजिशन ग्राफ की भी होंगी, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना वो होगा GTG का, यानी कि हमने पढ़ा TG, वो होगा GTG, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। जो मैं आपको PDF शेयर करूँगा उसके अंदर TG की भी होंगी, GTG की भी होंगी, लेकिन आपने लेक्चर 10 के हिसाब से अभी TG की प्रैक्टिस करनी है। जब आप लेक्चर 11 देखोगे ना वो GTG, फिर उसके बाद उसकी भी मैं आपको PDF दोबारा से शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उसको लेके उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। खैर, आज इस TG की प्रैक्टिस करो, जो चीज़ नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो फिर बताओ भी सही कि वीडियोस मैं अच्छी बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कैसी बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।